الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> يا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما आगा। आगा। ये किसने पुकारा हम मुहम्मद बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे ये किसने पुकार God. नाजरीन मोहतरम रहमतुल्लाहि व ला मैं हूँ प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन रमज़ान स्पेशल आज छठा रोज़ा है और आज के इस प्रोग्राम में हमने मौजू रखा है रोज़ों का कफ़ारा या कज़ा नाजरीन हम सब आदम की औलाद हैं और हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला के मना करने के बावजूद अम्मा जी और अब्बा जी से गलती हो गई और उन्होंने गंदम खा ली इस तरह हम भी बहुत सारी गलतियां करते हैं आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ रोज़ों के बारे में जो हम मुख्तलिफ गलतियां करते हैं क्या उनकी कज़ा है या उनका कफ़ारा है और अगर कफ़ारा है तो कितना है जब लड़की या लड़का बालग हो जाएँ तो उन पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है बलुगत की अलामात शराशरीत ने मुतिन कर रखी हैं समझदार वालदेन को तो पता चल जाता है ताहम अगर कोई अलामत ज़ाहिर ना हो तो पंद्रह साल के उम्र के बच्चे और बच्चियाँ बालिग तस्वूर किए जाते हैं इस पर हमारे उलमा और मुफ्तियान के फतवे मौजूद हैं हमारे माशरे में शायद ऐसे वालदे बहुत ही कम हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इतना ट्रेन कर लिया होता है कि वो पंद्रह साल की उम्र में नमाज़ और रोज़े बाकायदगी से रखना शुरू हो जाते इससे ये बात साबित होती है कि हम में से अक्सरीत की ना तो नमाज़ें पूरी हैं और ना हमारे रोज़े पूरे हैं चूँकि हमारा आज का मौजू रोज़ों के बारे में है इसलिए हम रोज़ों के कफ़ारे या उनकी कज़ा ही पर बात करेंगे नाजीन हमें पता होना चाहिए कि वो रोज़े जो हम में से अक्सरीत ने लड़कपन और जवानी में छोड़े हैं उनका अब क्या करना है जो बीमारी में छोड़े हैं उनका क्या करना है और जो ग़लती से फास्द हो गए हैं उनका क्या करना है क्या इन सब रोज़ों की कज़ा है या इनका कफ़ारा देना पड़ेगा और बेशुमार अगर रोज़े छोड़े हैं तो उनकी कज़ा है या कफ़ारा है और कफ़ारा है तो कितना है ये सारे सवालत हम आज अपने मेहमानों के आगे रखेंगे मेरे आज के मेहमान हैं महमूद अहमद तब्सम साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं मुफ्ती अब्दुलरहमान साहब सर खुश आमदेद शुक्रिया मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाइए आपसे स्टार्ट कर <coughs> देते हैं कि हम में से एक अक्सरियत ने लड़कपन और अवायल उम्री में बहुत सारे रोज़े छोड़े होते हैं तो ना तो अब उनकी तादाद का तयन करना इतना आसान है तो उनकी फिर कज़ा हम कैसे करें सर बसमीम सबसे पहले सुनो न्यूज़ का शुक्रिया कि वो रमज़ान के माह मुबारक में इस तरह के इस्लामिक प्रोग्राम करते हैं। जैसा कि आपने फरमाया। जी। पंद्रह साल की उम्र तो एक आखिरी हद है ठीक लेकिन बच्ची कम से कम जिस उम्र में बाल हो सकती है वो नौ साल है ठीक और बच्चा कम से कम जिस उम्र में बालग हो सकता है वो बारह साल है सही उसमें अगर बलूक की अमतर हो जाए जी उसको इंजाल होता है अहतलाम होता है आ ने मुख्तलिफ बता बताई हैं जी तो ठीक वरना पंद्रह साल की उम्र में बच्चा भी बालग तस्वूर किया जाता ये है, है ये आखिरी वो है ठीक अगर उससे पहले अलामत ज़ाहिर हो जाए तो फिर उसमें कोई उम्र की सही लेकिन कम से कम बच्ची नौ साल की उम्र के बाद और बच्चा, बच्चा बारह साल, साल की उम्र के बाद जी उसके बाद बात यह है कि बालिब होने के बाद शरीयत के अहकाम उसकी तरफ मुतवजे होते हैं जी चाहे वो नमाज हो चाहे वो रोज़ा हो चाहे वो हज हो चाहे वो जकवात हो बिल्कुल ठीक है अब अगर उम्र के एतबार से पंद्रह साल वो किए हैं जी तो भी आसान है कोई इतना मुश्किल नहीं है आदमी देखे कि मैं 20 साल का हो गया हूँ 15 साल की उम्र में बाल हुआ तो आ, पाँच साल आ, उसके पाँच साल आ, इस्लामी साल जी यानी हिजरी के मुताबिक हाँ। अरबी साल उसके मुताबिक वो जितने रमज़ान आए सही वो उसका अंदाज़ा लगाए और उसका उसकी कज़ा करे तीस के हिसाब से ज़रब दे उनको बेहतर यही है सही बेहतर यही है कि क्योंकि या तीस हैं या उनतीस हैं मुफ्ती साहब एक और भी मसला है ना इसमें बहुत सारे हम में से जो लोग हैं पुराने उनकी तो डेट ऑफ बर्थ भी जो लिखी हुई हैं वो गलत हैं वो अंदाज़े से हमारे सजा ने स्कूलों में लिखी हुई हैं तो इसी तरह अभी जो अनपढ़ वाले हैं उनके ना उनको पता होता है ना उनके बच्चों को आगे से ही आगे सही पता होता है तो वो लोग क्या बस गलत है अच्छा वो काफ़ी है सही यानी आदमी जब पूछ पाछ करता है घर के लोगों से तो वो एक अंदाजा हो जाता है सही। तो उसमें भी एहतियात से कुछ इजाफा कर ले ताकि शरीयत के जितने हुँ, भी हुँ, वो फराइज हैं वो एह, कुछ इजाफा कर।, कर ले और कुछ दुआ और इस्तार इस्तफार तो हर हाल में इसके अलावा इस्तफार तो हर हाल में लाजिम है इसलिए कि उसने फरीजे की अदायगी में तखीर बिल्कुल लेकिन कज़ा के अतबार से वो इसका अंदाज़ा लगाए चाहे उम्र के अतबार से और चाहे अगर उसको याद है कि मैं और उम्र में बालग हो गया था उसके एतबार से तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है बिल्कुल बहरहाल एहतियात का तकादा यह है कि तीस हर महीना तीस का वो समझे सही और उसके मुताबिक वो क़़ा करें बिल्कुल ठीक तो बसम साहब ये इरशाद फरमाइए कि रोज़े का कफ़ारा क्या है और इसकी मुख्तलिफूरतें क्या हैं सर अज़बल़ाजी बसमीम्ल से नाव मौलाना मुहमद इमादनजूदी वालकरम वाला आसाबाबी या सलाम. सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आ, हर साल की तरह सर। इस साल भी शहरी और इफ्तारी के अंदर जो प्रोग्राम जितने आपने تشکیل दिए हैं और तरतीब दिए दी, हैं ये मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की आवाम के लिए एक रहनमाई की हैसियत रखते हैं बहुत और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनसे लोग ना आशना है हाँ। मैं समझता हूँ कि उनकी एक रहनमाई हो जाएगी जी जी आपने जो सवाल किया <coughs> कफारे का के का हवाले कफारा से, कितना है सर तो इस हवाले से कज़ा के हवाले से जी मुफ्ती साहब पहले बयान कर चुके हैं जी तो कफ़ारा जो रोज़े का है सर वो होता है कि अगर किसी ने जानबूझकर रोज़ा तोड़ा है सही तो उसका कफारा है ठीक है और इस हवाले से नबी पाक वसल्लम की का एक वाक़ एक सिहाबी थे जी जो अकाल सलाम की बारगाह के अंदर आए और आकर के अर्ज़ करने लगे कि यार सोल्ला सल्लम हल लक तो मैं हलाक हो गया जी हजू सलाम्म ने फरमाया कि क्या किया यारसोल्ल्ला मैंने अपनी जान पर म किया ठीक रोज़े की हालत में मैं अमल जो बजा लाया ठीक है नबी पाक अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि तुम ऐसा करो कि तुम दो माह के मुसलसल रोज़े रखो वारिस करने लगे यार एक रोज़ा नहीं रख सकता हूँ सही तो मैं दो माह के रोजे कैसे रखूँगा फरमाया फिर ऐसा करो साठ मसाकिन को खाना खिला दो ठीक है यारसोल्ला वल्लम में साठ मस्किन को कैसे खाना खिलाऊँ मेरे तो अपने घर के अंदर फाके हैं हुँ। तो हजर सलाम ने फिर यह भी फ़रया कि गुलाम आज़ाद करा सकते हो फर्ज करने लगे कि गुलाम आजाद कराने की भी सकत नहीं है ठीक है अब चूंकि वो मामला एक नबी और का था सि और जाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने ये इख्तियार दिया हुआ है सही कि वो जिसके मुतालिक जो चाहे फरमा दें बिल्कुल ठीक अब फरमाया कि बैठ जाओ मजलिस मजलिसा में वो बैठ गए सही इतने में खजूरों की एक बोरी कहीं से आई तो हजूर अलीसलातम ने फरमाया ऐ

फारदा हो जाए सुबह अभी वाह अगर कोई जान बुझ कर रोजा तोड़ता है तो उसके लिए ये है कि वो ए, ए, पहली तो चीज है कि गुलाम आजाद कराए अब चूंकि वो दूर नहीं रहा गुलाम और बाधी और लुंडी का जी। तो दूसरा हुक्म यह है कि वो जो है ना वो दो माह के मुसल रोजे रखे ठीक है अगर वह दो माह के मुसलसल रोजे रख सकता है तो उसको रखने चाहिए चूंकि रोजा अफजल है सही और रमज़ान का जो रोज़ा एक कज़ा होता है तो फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर वो और दिनों के कई महीने के भी रोजे रखे तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता बिल्कुल रूहानी एतबार से या रोजे की जो और अहमियत है या उसके अंदर जो फ्यूज व बरक़ात मिलने हैं रोजे की हालत में सही लेकिन फरमाया कि वो साठ दिन के रोजे रखे दो माह के रोजे रखे सही अगर ये भी नहीं कर सकता तो वो साठ मसाकिन को खाना खिलाए सही और दो टाइम खाना खिलाए बिल्कुल ठीक तो ये उसका कफारा है कि जो रोज़ा नहीं रख सका है बिल्कुल ठीक होगी बिल्कुल ठीक होगी जी नाज़रीन एक वक्फ़ा लेते हैं हमारे साथ रहिएगा जी नाज़रीन अपने मेहमानों से मज़ीद सवाल पूछते हैं मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाइए कि खाने पीने से भी रोज़ा टूट जाता है और मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से भी टूट जाता है दोनों की कज़ा और कफ़ारे में कोई फ़र्क है जी बिस्मिल यूँ तो कोई फ़र्क नहीं है जी आ, जो भी चाहे मर्द या औरत जब भी वो बिला उजरे शर् जी बूझ कर खाएगा पिएगा या याजी ताल्लुक कायम करेगा जी तो रोज़ा टूट जाएगा ठीक है और उसकी वजह से उस पर कज़ा भी आएगी और कफ़ारा भी आएगा कजा का मतलब यह है कि एक रोजे के बदले में एक रोजा और कफारा जैसा कि फरमाया कि पहला तो ये है कि गुलाम या बांदी आज़ाद करे वो दौर नहीं है ठीक है दूसरा ये है कि वो फिर दो महीने लगातार यानी वक्फे के बगैर रोजे रखे सही इस तरह के अगर एक दिन भी उसने नागा कर लिया तो पहले सारे रोजे वो उसके शुमार नहीं होंगे फिर उसे असर नौ रोज़े रखने वो तादाद, पूरी वो तादाद पूरी करनी पड़ेगी तादाद पूरी करनी पड़ेगी ठीक हो गया और तीसरी सूरत ये है जी कि इसकी अगर इस्तात नहीं रखता जी तो फिर वो साठ मिसकीनों को दो वक्त शिकम सैर खाना खिलाए यानी वो मस्किन हूँ मुस्तहक हूँ जी और वो भूखे हूं खाली पेट हूं ये नहीं है कि पहले खाना खाया हुआ है और वो थोड़ा खाते हैं नहीं, सही। वो काफी नहीं होगा अच्छा। ऐसे मुस्तहक जो खाली पेट हूं भूखे हूं उनको शिकम सैर करके खाना खिलाना ये जरूरी है सही। तो चाहे तो वो एक मिसकीन को साठ दिन दोनों टाइम खाना खिला सकता है एक, एक इख्तियार कर सकते। जो तबसुम साहब ने अभी वो हदीस शरीफ़ का वाक़या बताया है। तो उसमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वो खजूरें जो हैं वो इनायत फरमाई साहबी को और फरमाया कि इनको मदीना में जा कर हर घर में तकसीम कर दो तो ये इरशाद फरमाइए कि वो खजूरें क्या उनको लोगों को पेट भर के मिली होंगी कुछ इसमें गुंजाइश पैदा हो सकती है पहली बात तो यह है कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अच्छा अपने बच्चों को हाँ। ही तकसीम करें हाँ। तो इससे ये मालूम होता है कि ये खसूसियत है आकाए नामदार जनाब मोहम्मद वसल्लम की सही, सही. वरना सही. फिर तो वो बंदा भी, भी, भी बहुत गरीब है जी लेकिन आज के दौर में चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो ठीक है उसके लिए ये नहीं है ये सिर्फ खसूसियत थी उस सहाबी की और जो हजूर पाकल्लम ने उसे अतः फरमाई और इसकी मजीद तकमील के लिए मैं यार्ज करना चाहूँगा कि सबसे पहले गुलाम आज़ाद करने वाली बात है वो नहीं है हाँ। अमलन दूसरे नंबर पर दो महीने लगातार रोजा रखने की है कि हाँ। अगर एक दिन भी नागा कर दिया तो फिर उसे असर नौ रोज़े रखने पड़ेंगे और तीसरा ये कि उनको साठ मस्किनों को दो तो टाइम सही शिकम सैर करके सही खाना खिलाना अगर हुँ। ये नहीं करता जी किसी को वैसे देता है सही तो फिर उसकी मकदार सदकाए फित्र की होगी ठीक इसको फिदिया कहते हैं जी फितरा और फिदिया जी इनका वजन और इनकी मकदार एक ही है पौने दो तो किलो दो किलो गंदम।, गंदम जी आ, उसके हर उसके बदले में गंदम दे दे, दे, दे दे या उसके बराबर कीमत भी दे दे जी कीमत, दोनों कीमत देना, कोई एक दे सकता है जी, आ, जी। कीमत देना आ, ज्यादा मुस्तसन है इसलिए कि उससे वो कई जरूरतें पूरी हाँ, कर सकता है बिल्कुल शायन है। मुमकिन है उसके पास गंदम पहले से मौजूद हो उसे तकल्लफ करना पड़ेगा बेचने का लेकिन नकद से तो जो भी आदमी उसको जरूरत होती है वो पूरी कर लेता है तो इस जमाने में फतवा इसी पर है कि नकद दिया जाए अच्छा ताकि ताकि वो अच्छा। फकीर अपनी जरूरियात पूरी कर सके बिल्कुल जिस फरमा रहे थे अगर ये देखा जाए क्यूके सिर्फ गंदम का जिक्र है यहाँ पे है लेकिन इस माशरे के अंदर सोसाइटी के अंदर सारे लोग एक जैसे नहीं है ठीक हो गया यानी जो गंदम खाने वाले हैं या जो खाना पीना खा रहे हैं उसमे मुख्तलि तबकते हैं इंसानों के ठीक है माली हसीयत से और दुनियावी स्टेटस के अतबार से अगर देखा जाए तो उसमें फुका ने यह लिखा है कि जो मतलब उसमें किशमिश का भी ज़िक्र है अच्छा कि उसकी जो मौजूदा कीमत है उसके हिसाब से किया जाए किशमिश है जो है अच्छा गंदम है अच्छा और इसी तरीके से ये मतलब उनका उन वजन क्या होगा फिर हाँ उनका जो वज़न है वजन यही होगा वज़न यही वजन यही बस ये है कि एक गरीब आदमी गंदम जरा कम कीमत होती है उस पर वो करे अच्छा। जो ज्यादा मालदार है ये फितरे के अंदर अच्छा, ये अच्छा है ताकि बिल्कुल इसलिए जो मालदार हैं वो गंदम की बजाय किशमिश वगैरह से वो ये शायद फरमाइए एक रमजान में एक से ज्यादा रोजे खाने पीने से फासद हो गए तो उस पेश का क्या हुक्म देखिए एक रमजान में अगर आ, रोजे सिर्फ खाने पीने से हुए हैं हाँ। तो वो एक ही फदिया उसका होगा ठीक है जितने भी रोजे जितने है। भी रोजे हैं है। उसका एक ही कफारा, 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 कफारा उसका हाँ। एक ही होगा ठीक है ठीक है और अगर मुतद रमजान है तो है फिर वो उस हवाले से उतने रमजानों का देखा जाएगा चूंकि एक रमजान का कफारा एक ही शुमार होगा जी और अगर पिछले रमज़ान में भी ऐसा हुआ है तो फिर हाँ। जाहिर है उस हिसाब से जितने रमज़ान हैं उनका कफारा एक ही होगा एक एक ही होगा शुमार होगा जी आ, मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा फ़र्क है जी कि अगर तो मुतद्दद रोज़े उसने तोड़े जानबूझकर बूझ कर बगैर के हाँ। खा कर पी कर एक रमज़ान में एक रमज़ान में जी या कई रमज़ानों में ठीक है खान खा खाने से या पीने से उसने रोजा तोड़ा जी तो कई रमजान के रोजे भी उसका कफारा एक हो जाएगा ठीक हो गया लेकिन अगर उसने रोजा तोड़ा है जिनसी तकादा पूरा करने की वजह से जी तो फिर वो एक रमजान में तो कई ऐसे जो रोजे तोड़े हैं उनका तो एक कफारा काफी हो जाएगा सही लेकिन दूसरे रमज़ान के अंदर जो रोजे उसने तोड़े थे जिनसी तक पूरा करने की वजह से उसकी तरफ से ये नहीं होगा उसके लिए फिर अलग वो होगा यानी एक रमजान के एक रमजान का अगर मिया बीवी के ताल्लुक से टूटा है तो एक कफारा है हाँ एक अगले रमजान में अगर टूटा है फिर तो उसका अलग से एक कफारा बिल्कुल ठीक है खाने पीने के एतबार से अगर कई रमजानों के भी हाँ उसने वो किए हैं खाकर पीकर रोजा तोड़ा है बात तो हो। एक कफारा का तो इनकी कजा भी है साथ कजा जिसमें है उसमें कजा हर हाल में है बिल्कुल ठीक जिसमें कजा है उसमें जरूरी नहीं है कि कफारा हो लेकिन जिसमें कफारा है उसमें कजा लाजिम है बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक मसलन एक आदमी भूल के खा खा लेता है जी उसके अंदर तो उसको रोजा कुछ नहीं होता लेकिन अगर आदमी कुल्ली कर रहा था और पानी अंदर चला गया सही अब उसका तो इरादा कफारा नहीं था नहीं है। जी इरादा नहीं था रोज़ा टूट गया सही लेकिन कफ़ारा नहीं है कफ़ारा नहीं कजा लेकिन जिसमें कफारा आएगा उसमें कजा हर हाल में होगी बिल्कुल ठीक होगा जी बिल्कुल ठीक होगा जी नाजरीन एक वक्फा लेते हैं वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी वेलकम बैक नाजरीन मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाइए कि रमजान है किसी बंदे ने रोजा रखा हुआ है वो रोज़े के साथ झूठी कसम खाता है तो ये इरशाद फरमाइए कि उस पर अब क्या कफ़ारा है उसका रोज़ा मकरू है बचा हुआ है और उसकी कसम का क्या है सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों तो कोई भी गुनाह है जी वो अल्लाह की नाराज़गी का सबब है ठीक है तो कभी भी गुनाह का इर्तिकाब नहीं करना चाहिए जी लेकिन रोजे की हालत में जी। उसका इरतक वो ज्यादा गुनाह का बायस बन जाता है उस गुनाह की शिद्दत में इजाफा हो जाता है ठीक है आ, लेकिन इसकी वजह से रोजा नहीं फासद होता झूठी कसम झूठी कसम खाई है या झूठ बोला है या इसी तरह और बहुत सारे गुनाह हैं यानी है। ना वो उसने खाया ना आ, पिया आ, आ. ना उसने कोई जिनसी तकाजा पूरा किया सही। इसके अलावा कोई ऐसा गुनाह किया, गीबत कर दी गीबत कर दी, झूठ बोल दिया झूठी हाँ। कसम खा दी हाँ। खा ली तो इससे यकीनन रोजा मकर होगा हदीस में आता है कि किसोम जुन्नत य रोजा इंसान के लिए ढाल है सही। रोजा इंसान के लिए ढाल है जब तक कि उसे वो फाड़ ना डाले सही है तो साहबा ने पूछा यार सलाह क्या उसकी ढाल क्या है और उसका फाड़ना क्या है तो आपने फरमाया कि आदमी गीबत करता है आदमी झूठ बोलता है इस तरह के गुनाह करता है सही। तो गोया जो वो ढाल थी उसको आपने फाड़ दिया वो आपकी हिफाजत नहीं कर सकती बिल्कुल सही तो हदीस पाक में आता है कि जो आदमी रोजा रखता है खाने पीने से और जिनसी तकादे थे तो अपने आप को दूर रखता है सही। लेकिन उसके अलावा कई सारे गुनाह करता है ज़ुबान के गुनाह नज़र के गुनाह दिलो दिमाग के गुनाह हाथ के गुनाह तो हदीस में आता है कि जो शख्स न झूठी बात छोड़ सकता है और न झूठा अमल छोड़ सकता है फलै सली हाजत शराब तो फिर उसे उसकी अल्लाह को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि रोजा तो इसलिए है कि तम, हमारे अंदर तकवा पैदा हो हमारे अंदर इस्ताद पैदा हो अल्लाह के अहकाम की तामील की जी। ये एक प्रैक्टिस है ये एक रियाजत है मुजाह है सही। ये ट्रेनिंग कोर्स है कि इंसान अपने गुनाहों पर गुनाहों से बचने की अपने अंदर इस तदाद पैदा करे सही। कि और अगर वो पैदा नहीं होती तो खाना पीना तो अल्लाह ताला तो अरहमराहमीन है भूखा प्यासा रख कर किसी को तकलीफ तो नहीं देना चाहते बिल्कुल ठीक उसके पेश नज़र तो एक आली मकसद है कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए हमारे अंदर अपने नफ्स पर कंट्रोल पैदा हो जाए अगर वो नहीं होता तो फिर उसके और कुं मुफ्ती साहब वो अभी बाकी है रोशनी डालिए कौन सा वो जो कसम खाई है उसने जी कसम उसका तो कफारा होगा कसम तो देखे कसम जब भी खाएगा झूठी कसम जब भी खाएगा झूठी कसम को हदीस में आता है इसको यमीन गमूस कहते हैं ठीक है गमूस का माना है डबो देने वाली सही यानी वो गुनाहों के समंदर में उसे डबो देती है बिल्कुल इसलिए उसका कोई कफारा नहीं है यानी अच्छा। माजी के हाँ। किसी वाकए पर हां इस बातन या नफियन हाँ। वाकया हुआ है और वो कसम खाता है कि नहीं हुआ हाँ। या वाकया नहीं हुआ और वो कहता है हुआ है ठीक है तो ये यमीन गमूस है ठीक है इस इस यमीन गमूस को यमीन गमूस इसलिए कहते हैं कि ये इतनी बड़ी इतना बड़ा गुनाह है कि गोया ये उसको गुनाहों के समंदर में डबो देती है कोई है। कफारा उसके इस गुनाह को ख़त्म नहीं कर सकता ठीक है यानी उसमें शिद्दत पैदा करने के लिए अलबत् जी, अल्बता, जी।, अल्बता, जी। जी उसके अंदर यकीनन जब इतना बड़ा गुनाह है कि हाँ। उसको गुनाहों के समंदर में डबो दिया हाँ। तो उसके लिए इस्तगफार है हाँ। तोबा है उसके हाँ। लिए सदका खैरात है लेकिन कोई मुआन अच्छा, कफारा नहीं, एक, नहीं एक एक है अलबत् तीन दिन के रोजे या की तीन किस्में जी एक तो बाद की आदत होती है कसम है यार ये बात मैंने की है कसम ऐसा हो गया है उसकी आदत, है, है। इसको यमीन लग्व कहते हैं ठीक है एक यमीन मुनाकिदा है यानी आइंदा के किसी मामले में आदमी कसम खाए कि मैं ये करूंगा सही या मैं नहीं करूंगा आइंदा हाँ। इसको यमीन मुनाकिदा कहते हैं इसको जब तोड़ेगा सही उसके खिलाफ काम करेगा जो उसने कसम खाई थी तो ये कसम टूट जाएगी सही तो उसका कफारा ये है कि दस मिसकीनों को अच्छा खाना खिलाए सही। या रोजे रखे गुलाम आजाद करें हाँ। या दस मिसकीनों को खाना खिलाए हाँ। और नहीं तो तीन दिन, दिन, के के रोजे। दिन के रोजे रखे बिल्कुल ये है यमीन मुनिदा सही जो यमीन गमूस है जो माजी पर झूठी कसम खाई हाँ। उसको झूठी कसम नहीं कहते जो आइंदा है सही ये तो अभी नहीं है ना वो हाँ। तो कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा सही मैं ऐसा करूंगा हाँ। और बाद में उसने उसको तोड़ दिया उसके खिलाफ काम किया ठीक हो गया। उस पर कफारा आता है और कफारा यही है कि तहरीर और रकबा है गुलाम आजाद करें या दस मिस्किनों को खाना खिलाएं या उनको कपड़े पहनाएं दस मिस्किनों को दो टाइम का खाना खिलाए या उनको लिबास दें और किस्मतों बिल्कुल और या फिर ये है कि तीन रोज़े रखें बिल्कुल ठीक जी बिल्कुल ठीक है तो बसम साहब ये फरमाइए कि कामिल रोज़ा फिर क्या चीज़ है देखिए रोज़ा एक ऐसी इबादत है जी कि हर इबादत पर तबारक व तै ने जी फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो उसकी इबादत को बुराइयों को लिखते हैं मतलब जो राइट लेफ्ट के जो फरिश्ते हैं यानी अगर किसी ने नमाज पढ़ी है तो फरिश्ता उसकी नमाजें लिखता है हज करता है तो हज लिखता है जक़ात अदा करता है तो जक़ात लिखता है लेकिन रोजे के मुतालिक ही हमें बात मिलती है कि जब रोज़ा फरिश्तों को हुक्म होता है कि ये भी इबादत है तो जब फरिश्ता लिखने लगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि फरिश्ते क्या लिखने लगे हो बारी तला इसने रोजा रखा है और उसका अजर लिखने लगा हो अल्लाह फरमाता है इसको रहने दे इसलिए कि व अना उजब बिही रोजा मेरे लिए है और उसकी जजाम सुभान अब रोजा के अंदर जो दो बातें बातें हैं यानी यानी कि एक तो खाने से पीने से पीने तीन और इजतनाब का नाम है और दूसरा है है कि ठीक है। रात को जागा जाता। हाँ। अच्छा ये अल्लाह तबारक वा ताला की जो है ना इसमें दो सिफतें तो ऐसी हैं तीन कि अल्लाह ना सोता है बिल्कुल सही अल्ला तबारक है सही है गोया एक रोजादार पर अल्लाह तबारक वाली की सिफात का रंग चढ़ जाता है सुबह इसलिए अल्लाह तबारक वाली फरमाता है कि ये रोज़ा मेरे लिए और इसकी जजा मैं खुद दूंगा वाह बहुत सारे ने, ने इस पर और सरकार कायना ने काम रोजे के मुताल फरमाया कि रोजा फकत यह नहीं है कि खाने से जितना पीने से जितना अमल जोजियत से जितना इसका नाम नहीं है बल्कि रोज़ा ऐसा होना चाहिए कि आपकी आंख का भी रोजा होना चाहिए बिल्कुल ठीक आपके हाथों का भी रोजा होना चाहिए आपके पाओं का भी रोजा होना चाहिए यहाँ तक के सूफिया ने इतनी बात कर दी कि आपकी सोच का भी रोजा होना चाहिए अल्लाह वाह वाह तो जब तक हमारी सोच पाक नहीं होगी हमारी नजर पाक नहीं होगी हाथों से कोई गुनाह नहीं होगा पाओ से कोई चल के कोई गुनाह नहीं होगा तो यकीनन वो कामिल रोजा कहलाएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे रोजादार ऐसे हैं कि जो जिनको भूख और प्यास के अलावा कुछ, कुछ नहीं, मिलता। नहीं होता ऐसी? और बहुत सारे क्याम करने वाले ऐसे हैं कि जिनको जागने के अलावा कुछ नहीं मिलता है तो हर चीज के अंदर जैसे नमाज हमारी कामल होती है खुशब व खजू पैदा करने बिल्कुल में बिल्कुल ऐसे ही रोजा हमारा कामल होता है कि हम अपने जिसम के आजा को भी जो है वो मद्द रख के तो अल्लाह तबारक वाली के हजूर ये इबादत बजा लाएं तो यकीनन अल्लाह के नजदीक रोजा कामिल होगा माशा इस मौके पर एक बात होगा जी, जी।, जी। उसमें दो रिवायतें आती हैं। जी जी कि अजीबी ठीक है रोजा मेरे लिए है जी और इसकी जजा मैं खुद देता हूँ यानी मैं फरिश्तों के जरिए मूमन जो जजा होती है वो नहीं मैं खुद देता हूँ या इसका है कि आना उजा भी इसकी जजा मैं खुद आप हूं यानी जो रोजा रखता है वाँ वाँ। उसको नेकी नहीं मिलती हाँ। जजा में अल्लाह की जात सुभान Allah, सुभान ये Allah, वाँ वाँ। ये दो ही है दो ही मकाम है जी। एक रोजादार को अल्लाह तबारक वात अपना दीदार कराएगा यानी हाँ। रोजादार के लिए दो खुशियाँ है। है। एक इफ्तार के वक्त ऐसे ही और एक इंदा लिका तो वाँ वाँ। ही। वाँ वाँ। अपने रब से मुलाकात के और एक शहीद शहीद को अल्लाह तबारक वाली अपना दीदार कराएगा तो रमजान मुबारक के जो ये शहरी जिसमें हम गुजर रहे हैं यकीनन हमें कामल रोज़ा रखने की अल्लाह तबारक व ताली मतोफ़ी क़ा फरमा और ये सिलसिला जो आपने चलाया हुआ है अल्लाह तबारक व वा वाली इसको जारी वारी फरमा बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी नाजरीन मोहतरम आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा आज के प्रोग्राम में जो बातें सामने आई वो मैं एक मरतबा फिर आपसे शेयर कर लेता हूँ लड़कपन और अवैल उम्री में जो रोज़े छूट गए हैं उनकी तादाद का तयन अगरचे मुश्किल काम है ताहम हमें उनकी तादाद मालूम करनी पड़ेगी और उन रोज़ों को क़़ा करना पड़ेगा उनका कफ़ारा अलबत्ता नहीं है खाने पीने से अगरचे रोज़ा टूट जाता है लेकिन इसका कफ़ारा जितने भी रोज़े हों एक महीने के हूँ ज़्यादा महीने के हूँ वो सिर्फ़ एक है मियाँ बीवी के ताल्लुक से भी रोज़ा टूट जाता है लेकिन इसकी क़़ा भी है और कफ़ारा भी है और मियाँ बीवी दोनों पर अलग अलग है फिर हमने कफारे के बारे में ये जाना कि एक रोज़े के बदले एक ग़ुलाम आज़ाद करना होता है या दो महीनों के रोज़े रखने पड़ते हैं या साठ मिसकिनों को दो वक्त का पेट भर कर खाना देना पड़ता है अगर मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से एक रमज़ान के मुतद्दद रोज़े फासिद हैं तो मुफ्तिया ने क्राम फरमाते हैं कि एक कफ़ारा और कज़ा काफ़ी है और अगर रमज़ान मुतद्दद हैं तो हर रमज़ान के बदले अलग अलग कफ़ारा है और कज़ा होगी इसके साथ ही मैं अपने मोज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ सर आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपने मेज़बान को भी इजाज़त दीजिए आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़